किचन मैंने अच्छे से नीट कर लिया है घर भी नीट हो चुका है तो यहाँ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है और उसके बाद घर वगैरह नीट करके मैं और जैनब गए थे थोड़ा बुक शॉप पे कुछ काम था काम क्या था जी एक इसके लिए ट्रेसिंग बुक लेनी थी और इसका माशाल्लाह से अब फोर इयर्स की होने वाली है तो आई वाज थिंकिंग इसको अब कायदा भी पढ़ाया जाए तो इसीलिए आई वाज सर्चिंग आई वॉज़ नहीं आई एम स्टिल आई एम सर्चिंग फॉर अ अकारिया और अ कारी एज वेल कि जो इसको आके बढ़ा जाए घर में तो ये देखिए ये मैं आ, नौरानी कायदा एक लेके आई और एक ये थ्री इन वन बुक है ट्रेसिंग की आ, मैं इसकी पहले भी ट्रेसिंग बुक्स लेके आई हूँ काफ़ी आ, ये आ, कलरिंग वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रखती है तो कर लेती है बिज़ी भी रहती है थोड़ा सा प्रोडक्टिव भी होता है इसके लिए कुछ सीखने को मिल जाता है ऐसे बच्चे टॉयज़ के साथ तो खेलते रहते हैं तो मैं सोच रही थी इस तरह के की एक्टिविटीज़ क्यों नहीं तो फिर मैंने इसको एक अदद और लेके आई इसके लिए ये बुक यहाँ पे उर्दू है एक साइड पे इसकी इंग्लिश है इंग्लिश का मैं सोच रही थी कि स्मॉल लेटर्स होते बट इसके जो है वो कैपिटल लेटर्स है और सेंटर में जो है वो काउंटिंग का पार्ट है एनी कुछ तो सीख लेगी आजकल ये ट्रेसिंग में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है ये देखिए ये काउंटिंग है तो इसको एक अदद भी मैंने पेंसिल भी ला कर दी इरेजर है और शार्पनर भी है और साथ में बुक शॉप एक लेडी थी तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर जैनब को ये एक बलून भी ऑफर किया जो कि जैनब ने ले लिया तो बस ये थी कुछ चीज़ें जो कि बुक शॉप से लानी थी और जी यहाँ मैंने बना के रखा हुआ है खोया एक्चुअली घर का दूध आया हुआ था जो रूटीन में आते हैं अप्रॉक्सीमेटली थ्री के के करीब होता है तो वो मैंने आज उसको सारा जो है पका पका के ये खोया इसका बना लिया है क्योंकि मैं आज बनाने जा रही थी जी गाजर का हलवा और बड़े एक डिफरेंट तरीके से मैंने एक्चुअली यूट्यूब से ही देखा था तो why नॉट आई should ट्राई दिस तो मैंने सबसे पहले खोया बनाया ये प्रोसेस ज़रा थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इसलिए मैंने इसको पहले डन कर लिया ऑन द अदर हैंड साइड मैंने क्या किया था मैंने लिया था जी एक किलो दूध दो किलो गाजर ली थी साथ में मैंने काफ़ी ढेर सारी घर पे बलाई पड़ी थी वो इसमें ऐड की थी और थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था और इसको मैंने प्रेशर कुकर में गलने छोड़ दिया और इतना आपने इसको गलाना है कि गाजर को हाथ लगे और गाजर फूस हो जाए <laughs> मतलब इस कदर आपने इसको टेंडर करना है ठीक है ये देखिए नाइफ किस तरह आराम से किस तरह से पास हो रही है तो इतना आपने इसको गला लेना गलाने के बाद जी, आपने ये सारा मटेरियल जो है इसको किसी खुले से बर्तन में इसको आपने शिफ्ट कर देना ये देखें मैंने कढ़ाही ले ली है फुल बड़े साइज वाली ठीक है और इसमें मैंने इसको शिफ्ट कर दिया अब हमने क्या करना है कि ये प्रोसेस है कि दूध को सुखाना है गाजर के अंदर प्लस आप कोई मैशर ले सकते हैं आप घोटा ले सकते हैं ठीक है मेरे पास कुछ भी नहीं था मैंने मैदानी ले ली जियो पंजाबी हो फेल। तो मैंने ना ये मैदानी के साथ भी बड़ा आराम से हो जाता है मैशर से भी हो जाएगा मैशर से तो बहुत जल्दी हो जाना है ठीक है इस तरह से आपने इसको आ, मैश करना है कि बिल्कुल कोई भी ना मोटी वाली गाजर ना रही मतलब मोटे साइज में ना रहे ठीक है यार कोई हर्ज नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से एक इट कम्स आउट रियली रियली गुड फेंटेस्टिक आप ज़रा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा तो इनशाला आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट इतना आउट क्लास आया है कि आप भी हैरान हो जाएंगे दूध आप अपनी मर्जी का अपने हिसाब से जितना चाहे मर्ज़ी डाल सकते हैं तो मैंने एक किलो इसमें डाला और तीन किलो इसमें और दो किलो गाजरें थी तो आई वाज अकॉर्डिंग टू तो मी मेरे ख्याल में तो दो किलो गाजरों के लिए इट वाज एनफ मिल्क जो कि मैं इसमें ऐड कर सकती थी तो ये देखिए यहाँ पर इतने अच्छे से मैश हो गए हैं और सारा कुछ दूध में और हेल्दी तरीके से बनी है कोई भी इसमें वो नहीं है और आपका टाइम बच रहा है और और अगर आप मुसलसल नहीं पास करना चाह रहे हो तो आप नहीं रहो आप किचन में और काम करते हुए भी इसको साइड पे रख सकते हो तो आप इसको हल्की आंच पे रख के छोड़ सकते हो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस पर चम्मच हिला दो आ, बस इसमें दूध एब्जॉर्ब कर जो है खुशक करना है ठीक है तो जैसे दूध खुशक जाएगा आपको पता है दूध अपना घी खुद छोड़ता है उसमें एक फैट जो फैट्स होते हैं हल्दी वो जो है निकलते हैं तो आप चाहें तो इसमें देसी घी ऐड कर सकते हैं चाहें तो स्किप करें कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं हम लोग नहीं करते हैं हम लोग जब इसको बुनाई का प्रोसेस आता है हम लोग अंडे

तो बड़ी मज़ेदार से जो है हमारा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा आप इसमें नट्स ऐड करें आप इसमें एग्स ऐड करें जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं आप ऐड कर सकते हैं और बिलीव मी इतना मज़े का बना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आपने भाई ये गाजरें क्रश किए बग़ैर हलवा बनाया तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें आपका टाइम बच रहा है आप बढ़िया अच्छे तरीके से हाँ मैं एक ज़रूर यहाँ पे टिप दूंगी कि आप गाजर थोड़ी छोटी साइज के लिए मीन जो बड़ी गाजर होती है ना उनके सेंटर में वो कील होता है तो वो ना लीजिएगा छोटी साइज की लीजिएगा जूसी वाली जो होती है रेड रेड तो इन बहुत आप अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा इसका तो ट्राई दिस मस्ट एंड डू लेट मी नो कि आपको ये तरीका अच्छा लगाएगा अलहमदिल्ला जी, जी हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा रेडी हो गया और बड़े डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया है आप एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा जी और ये हैं जी वीकेंड्स के क्लिप हम लोगों ने बनाई थी तिका बोटी मेरे हस्बैंड बनाते हैं और बहुत ही अच्छी बनाते हैं अगर आपको इसकी रे, रेसिपी भी चाहिए तो मुझे आ, कमेंट सेक्शन में बताएं इन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और जब आप सूफियान ऊपर बना रहे होते हैं तो जैनब की दोस्ती तो जिस को कहते न, हैं ना मोजे लगी हुई होती है और ये चारकोल से खेली थी ये देखिए हाथ बिल्कुल काले स्याह केवे में तो मैंने कहा किसके साथ किया तो मुझे ला के और हाथ में पकड़ के दिखा रही थी शर्ट भी सारी काली कर ली और जैनब की सही जिसको कहते हैं मोजे लग जाती हैं और साथ साथ चिकन टिक्का रेडी हो रहा था और अगर गोश्त की बात की जाए तो यार मुर्गी के गोश्त को तो आग लगी हुई है इतना ज्यादा महंगा और महंगाई तो हद से भरती ही जा रही है अच्छा आ, ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं मैंने जैनब को कायदा देख के बिठाया था आ, और मैं इसकी पिक्चर लेना चाह रही थी कि माशाल्लाह से इसको दुपट्टा दिया था तो इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह और देख रही थी कि मतलब जैसे ट्रेसिंग बुक्स को देखती कि उसके ऊपर क्या बना था कायदे को देख रही थी कि इसके अंदर क्या क्या है अभी इसको क्या समझ लेकिन देख रही थी अल्हम्दुलिल्लाह ताउस दसमियाँ पढ़ा के मैंने इसको शुरू करवाया था और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको दे पढ़ लेगी ये वेरी नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं मूसा जैनब अपनी मामूल के मुताबिक उसी जगह पे बैठ के खेल रहे हैं जैनब मम्मी चीज देख के नीचे फेंकती है और मूसा हंसते है हैं इसकी आवाज़ सुनने ज़रा ये उसी रात के क्लिप्स है मैंने हसन को रस लाने के लिए बोला था बच्चों के लिए बट बाय मिस्टेक जो शॉप कीपर ने बाकर ख़ानी का पैकेट पकड़ा दिया एनी वेज ये इस तरह की बाकर खानी जब मैंने पहली दफ़ा देखी थी बड़ी फैंसी और बड़ी प्यारी बनी हुई थी बाकर खानी आपका इस बकरखानी के बारे में क्या ख़्याल है आप भी बताइएगा तो इन ये बाकरखानी मैं नाश्ते में ज़रूर कल खाऊँगी बहुत अच्छी बाकरखानी थी फ्रेश थी क्रिस्पी थी और मतलब टेन ऑन टेन हाईली रिकमेंडेड है अगर आप खाना पसंद करते हैं ब्रांड का नाम तो आपने देख ही लिया है हमारे बचपन में इतनी फैंसी बाकरखानी नहीं होती थी गोल सी होती थी छोटी भी होती थी बड़े बड़े वाले साइज़ की भी होती थी तो अमियाँ हमें छोटी वाली मंगवा के देती थी कि बड़ी वाली तुम लोगों ने ख़राब करनी है तो वो वाली बाकरखानी हमने जो पेड़े नुमा बनी होती है उस तरह की देखी थी तो खैर ये बाकरखानी मैंने पहली दफ़ा देखी है आपने ये यूज़ किया ये नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा तो ये था जी मेरा आज का ब्लॉग उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा गाजर के हलवे का ये मेथड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा बिलीव मी बहुत ही इजी तरीका है मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि गेस्ट आने वाले होते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप वेट करो तो आप इस तरीके से भी गाजर का हलवा बना सकते हो जब मीठे में कुछ बनाना हो ठीक है और उसके बाद रजब रजब कह शबे बारात के अः का खत्म शरीफ दिलाया था उसके लिए मैंने फिर ही बनाई थी इनशाला उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी बहुत मजे की बनी थी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूंगी इनशाला अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा दाऊद